बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकता, क्योंकि जनता जो बातें कह रही है ये तो उन पे सवाल उठा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि पनौती कह दिया, पनौती किसने कहा? पनौती जनता ने कहा। और जिस भाषण का जिक्र हो रहा है ना, उससे ये भी पता चल रहा है कि जिस तरह से हड़बड़ाहट है भाजपाइयों में, वो समझ गए हैं कि जनता के बीच में जो नैरेटिव बन रहा है मोदी जी के खिलाफ, जिस तरह की बातें जनता आज बोल रही है उसको ये रोक नहीं पा रहे हैं। और अगर उस बात को भी देखें तो जनता तो ये जानना चाहती है कि 2015 फरवरी में मोदी जी जब कह रहे थे कि मैं किस्मत वाला हूं और बाकी सबको बदकिस्मत बता रहे थे, तो आज जनता भी पूछ रही है कि भैया जो जो पहले किस्मत वाला था और अब हमारे को लग रहा है कि वो बदकिस्मत है, तो हम उसको क्यों चुनेंगे? और आप सुन लीजिए कि उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने ये बात कही थी, अगर नसीब के कारण डीजल के दाम कम होते हैं, अगर नसीब के कारण सामान्य मानवी के जेब के पैसे बच जाते हैं, तो सुन लिया इन्होंने अपने विपक्षियों को बदनसीब बना दिया। ये बेशर्मी थी। और उस समय देखिए इनका डंका बज रहा था, इसमें कोई शक नहीं है। उस वक्त ये जो नैरेटिव सेट करते थे, हमारे पत्रकार बंधु भी उसी को आगे बढ़ाते थे। मगर अभी मैं अरविंद मोहन जी की बात सुन रही थी और उनसे ही जानना चाहती हूँ कि कर्नाटका में क्या हुआ। वहां पे भी तो इन्होंने जोर जोर से बोला कि मेरे लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया, वैसा किया। और अभी जब चुनावों के बीच में इन्होंने मुझे और मेरे जैसे हर कांग्रेसी कार्यकर्ता को बेशर्मी से बोला मूर्ख बताया, तो मैं जानना चाहती हूँ कि जिसने एमए इन एंटायर पॉलिटिकल साइंस किया है, क्या उनको शोभा देता है? चलिए मैं अरविंद जी का रुख करूंगा, लेकिन पहले मैं अपने